गाइज गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है हमारे हस्मृति ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपने अपने काम में व्यस्त हो। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मेला देखने, बुंडो मेला, और वो लगा है हमारे पेट्रोवार में और हमारे सुजो भी अभी जाएंगे साथ में, तो इसलिए हम लोग आए हैं लेने के लिए। हमारे बच्चे भी आए, चिरकुट भी है और हमारे सुजो भी आ रहे हैं, तो सभी को हम लोग जा रहे हैं चारों जन। और उसके बाद दिखाते हैं दोस्तों किस तरह का वहाँ मेला लगा और किस तरह का वहाँ भीड़ है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी रास्ते में और देख सकते हैं कि अभी हम चल रहे हैं और रास्ते में दिखाते हैं कि आपको किस तरह का भीड़ है। बहुत ही ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है दोस्तों इस ब्लॉग में, तो बने रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए रास्ते में सभी को जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं रास्ते में, और देख सकते हैं ये रास्ते में जो भीड़ है, और हमारी बच्ची भी चल रही है, हमारे सुजू भी अभी है। तो देख सकते हैं आधा कोई देख कर आ गए और सभी को अभी जा रहे हैं और यह मेला देखते हैं बहुत ही। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे हो और देख सकते हैं दोस्तों कि हम लोग अभी मेले में आ चुके हैं और देख सकते हैं मेला का किस तरह का बहुत ही भीड़ है और हम लोग भी चल रहे हैं अभी सभी को। ठीक है, मैं चिरकुट है, हमारे बच्चे, तो देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा है और रास्ता भी जाम हो जा रहा है दोस्तों। इतना ज़्यादा ही भीड़ है कि दोस्तों क्या ही बताएं, मतलब रास्ता पूरी तरह से कैप्चर कर लिया जा रहा है इस गाड़ी की वजह से। तो देख सकते हैं दोस्तों मुंडू मेला में हम लोग प्रवेश कर दिए हैं उसके द्वार से, और देख सकते हैं कितना खूबसूरती से सजाया गया और कितने सारे मेले में सामग्री सब लाए हैं। तो देख सकते हैं यह हेयरबिन भी, और देखिए इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से देख रहे हैं ना गाड़ी भी ठीक से आ जा नहीं सकती है। और देख लीजिए दोस्तों कितने लोग सभी कोई मार्केटिंग करके आ रहे हैं और हम भी जा रहे हैं इसी तरह से, और देख सकते हैं बाइक का स्टैंड कितना जोर से लगा हुआ है दोस्तों, इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएंगे। देख सकते हैं दोस्तों कि इतना ज़्यादा कतारी का भी है, देख सकते हैं भैया भी बेच रहे हैं और उधर भी बेच रहे हैं और हम लोग भी चल रहे हैं और चलते चलते देख रहे हैं कि दोस्तों किस तरह का है। देख लीजिए इधर भी बाइक स्टैंड लगा हुआ है और इधर देख सकते हैं मेले का भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ है कि दोस्तों क्या ही पता है, मतलब धक्का मुक्की वाला तो बहुत ही। देखिए आंटी अपना आइसक्रीम बेच रही है। तो दोस्तों हम लोग बुंडू मेला इंटर कर दिए हैं और देख सकते हैं हमारी ये बुंडू मेला बहुत ही धाकड़ तरह से सजाया गया है और बहुत ही मतलब क्या बोलेंगे, मतलब अलग ही तरह से कुछ डेकोरेट करके, और यहाँ पे सरस्वती पूजा ही का प्रोग्राम तरह से मनाया गया, और देख सकते हैं किस तरह का है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए दोस्तों किस तरह का है ये, और इधर भी देख लीजिए कितने ज़्यादा ही हैं, बहुत ही ज़्यादा होने की वजह से देख लीजिए इधर इतना ज़्यादा ही तैयारी किया गया है कि क्या ही बताएं दोस्तों। देख लीजिए किस तरह का ये बुंडू मेला में, देख लीजिए खाने के पकवान सब लाए हुए हैं और इधर चाट का लगा हुआ है, और इधर देख लीजिए मिठाइयों का है, देख सकते हैं इधर चाट का है, फुचका का है, और देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है मेले में, इतना ज़्यादा भीड़ है देख रहे हैं दोस्तों। चश्मे भी लगाए हैं और हम लोग सभी कोई चल रहे हैं अभी, तो देखते हैं किस तरह का क्या मिलता है और खाने की मिलेगा कि नहीं मिलेगा, देखते हैं। और बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों, अगर खाने वगैरह झूला वगैरह में हम लोग झूलेंगे तो बहुत ही अलग तरह से मज़ा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग में, हम आपको दिखाते हैं आगे क्या क्या है, और आप लोग भी आएगा दोस्तों क्योंकि लास्ट है इसका, मतलब 6 या 7 तारीख लास्ट है मेला में, नहीं तो आप लोग देख नहीं पाएंगे दोस्तों। ये पेट्रोवार में लगा है, ठीक है, देख सकते हैं किस तरह का मेला लगा वो देख लीजिए। ये बुगी बुगी डांस भी है दोस्तों, और यहाँ ऑर्केस्ट्रा का दिखाया जाता है, और देख सकते हैं कि यहाँ फुचका वाले भी आए, और देख लीजिए घोड़ा गाड़ी दोस्तों, देख रहे हैं ना जो सिर्फ विश्वकर्मा पूजा में दिखता है घोड़ा गाड़ी, और यहाँ पर सरस्वती पूजा में भी दिखा दोस्तों बहुत ही ज़्यादा। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको आगे जाकर कि किस तरह हम लोग ये कर रहे हैं। देख लीजिए दोस्तों इधर ये ब्रेक डांस का लगा हुआ, और इधर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ही मतलब
इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं। देख लीजिए दोस्तों किस तरह का भीड़ है यहाँ मिले हैं बहुत ही, इतना ज़्यादा भीड़ होने के कारण देख रहे हैं ना मुझे भी चलने में असुविधा हो रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं कि किस तरह का चल रहा है, अब पूरे हम लोग भी चल रहे हैं और देख लीजिए कितने ज़्यादा हमारी बच्ची है वो देखने के लिए खोज रही है और हम भी देखने के लिए खोज रहे हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह का नज़ारा है, मेले में पूरा भीड़ है और देख लीजिए बच्चियाँ किस तरह छोटी छोटी कार्स में घूम रही हैं और गोल गोल घूम रही हैं, इसे बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट कीजिएगा ज़रूर। और देख लीजिए ये है नौका, सबका कर देता है दिल का धड़कन तेज। तो दोस्तों मेरा तो ज़्यादा ही होता है क्योंकि मैं बैठने से मेरा तो हवा टाइट हो जाएगा, इस वजह से मैं नहीं बैठता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देख लीजिए कितनी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और देख लीजिए वह तारा माची है, ब्रेक डांस भी लगा है दोस्तों और इधर सभी कोई दुकान है। तो दोस्तों देख लीजिए हम लोग आए हैं, हमारे सुजू भी है और बुच्ची भी है, ये देख रही है कि अभी क्या करेंगे, अब हम लोग किस में बैठेंगे। तो पहले दिखा देते हैं आपको नौका वाला और नौका में कितना ज़्यादा ज़ोर से बिठा रहे हैं। और देख सकते हैं कि हम लोग अभी ये देखिए मास्क वगैरह सब है, तो हम लोग कुछ नहीं लिए थे वो सब क्योंकि लेना नहीं है सब, क्योंकि पैसा वेस्ट नहीं करना, अभी पहले खाने का खा लेंगे उसके बाद वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसलिए अभी हम लोग थोड़ा सा मेला घूम ले रहे हैं, पहले तो देख लेते हैं कि मेला किस तरह का नहीं, बहुत ही ज़्यादा ही भीड़ है दोस्तों, इतना ज़्यादा है कि मतलब क्या ही बताएं, इतना ज़्यादा ही भीड़ है ना क्या ही बताएं। दोस्तों देखिए भीड़ में हम चल रहे हैं और चलते चलते देखते हैं कौन क्या और क्या क्या ही बोलेगा। तो ठीक है दोस्तों दिखाते हैं दोस्तों, और देखिए भीड़ इतना ज़्यादा है कि क्या ही बताएं, एकदम भक्तों में भीड़ जा रहा है। दोस्तों देख सकते हैं ये बच्ची जो अपने कर्तव्य दिखा रही है, बहुत ही तगड़ा टाइप का जो है ना, सिंगल रस्सी में चल रही है और घंटा बांस को पकड़ कर देखिए जी कैसे नाच रही है। जी देख सकते हैं दोस्तों ऐसा कुछ कर सकता है, ये कैसे कर नहीं सकते, मतलब ये मेहनत की है डेली का प्रैक्टिस होता है, इसे इतना डर भी नहीं लग रहा है और इसे आराम से ये दिखा ले रही है थोड़ा सा अपना कर्तव्य और इसी कर्तव्य दिखाते इससे पैसे भी मिल जाएगा दोस्तों। तो बताइएगा दोस्तों ऐसे सभी कोई देखने में नहीं देखें आपको, और दोस्तों हमें तो बहुत अच्छा लगा ऐसा कर्तव्य देखिए, और कुछ पैसे दे देते हैं सकते हैं ये लोग पैसा मांग आएंगे तो भेज देते हैं इसका भी चलता है कर्तव्य दिखाते, तो दोस्तों हम लोग दे देंगे इसको पैसा बता देंगे। तो और देखते हैं किस तरह का ये दिखा रही है बच्चे, देखिए ना देखिए जो ये थाली से चल के दिखा रही है, थाली से ऊपर दीजिए थाली में चलना सोच रहे हैं वो रस्सी में और पकड़ पकड़ के देखिए पीछे पैर पकड़ी है रस्सी में, बहुत ही कठिन काम होता है दोस्तों इस तरह का बिना प्रैक्टिस से अगर करे तो सोच रहे हैं ना सीधे ज़मीन में, तो और ज़मीन में गिरने के बाद तो ऑटोमेटिक क्या क्या हो सकता है वो तो बता ही नहीं पाएंगे दोस्तों। ठीक है तो दोस्तों देखिए अभी ये क्या करती है देखते हैं, उसके बाद देख लीजिए साइकिल के रिंग पर चल रही है दोस्तों, साइकिल के रिंग पे मतलब क्या क्या मतलब, इस बच्ची का तो टैलेंट ही कुछ अलग है दोस्तों। इस बच्ची के लिए वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो देख लीजिए ना इस साइकिल के रिंग पर चल रही है दोस्तों मेले में, इतने इतने खचब गजब करनामे सब दिखाने के लाते हैं कि क्या ही बताएं। ओ दादी के बाल तो देख रही है ना कितने सादे सादे और काले काले हैं, हो जाएगा मेरे तो नाने जाने। तो देख लीजिए ये हमारा नौका है, आउटगेट का दिखा रहा है पोस्टर और देख रहे सबका आउटगेट हो जाएगा हवा में ही, देख रहे कितने ज़्यादा भीड़ है और इतने ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही सीट खाली नहीं है दोस्तों, देख लीजिए कितना ज़्यादा भीड़ है, देख रहे ना इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़ हो जाने का कारण कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। और देख लीजिए पोस्टर मतलब हाथ वगैरह में आपको लगाना है, तो देख लीजिए ये हमारा झूला है जो झूल रहे नौका में दोस्तों, मुझे तो डर लग रहा है, आप लोगों को कैसा लग रहा है मेला बताइए कमेंट में, हमको तो बहुत मज़ा आ रहा है मेला में घूम कर, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि क्या ही बताएं दोस्तों। 40-40 हो गया दोस्तों, तो देख सकते हैं दोस्तों ये देखिए हम लोग इधर आ चुके हैं और देख लीजिए किस तरह का दिख रहा है। ठीक है तो ये देख सकते हैं आप किस तरह का ये लग रहा है पूरा मेला में, अब देख लीजिए ब्रेक डांस, अब तो ब्रेक डांस का ही मज़ा आएगा दोस्तों लगता है। चलिए हम आपको दिखाते हैं आगे की ओर और चलते हैं देखते हैं क्या क्या सब है आगे भी, और इतना ज़्यादा भीड़ है ना कि क्या ही बताएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा शोरगुल है। और देख लीजिए हमारे सूर्य भैया कैमरा कर रहे हैं और हम लोग चलते हैं आगे की ओर, दिखाते हैं कि किस तरह का मेले में क्या क्या सामान सब लाए हैं नया नया और कितने प्राइज़ में मिल रहे हैं, तो देखते हैं। अरे बाप रे बाप छुट्टियाँ बाबा, हो माय गॉड इतना बड़ा छुट्टी रखने क्या जरूरत है बाबू, चलो देखते हैं आगे क्या है मेले में। ठीक है तो देखते हैं दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट में दोस्तों कि मैं तो कमेंट पास करते रहता हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा दोस्तों, क्योंकि मेरा मतलब टाइम एक अलग ही तरह का मिलता है मुझे, तो मैं कमेंट कर देता हूँ थोड़ा सा, तो कुछ कमेंट करना चाहिए, सीखते हो सीखोगे नहीं कि हम ऐसे ही हैं, मतलब थोड़ा सा
करते रहते हैं तिलमबाजी। और तो दोस्तों देख लीजिए, हम लोग यहाँ खड़ा होकर देखते हैं कि किस तरह का ये प्राइस रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जूते मिल रहे हैं 199 रुपये में, और इतने ज़्यादा ही है कि क्या मतलब क्या ही बताएंगे, मतलब कुछ अलग ही तरह से है। ठीक है, तो देख लीजिए ये जूता है 199 में, मतलब बहुत ही सस्ता दाम में मिल रहा है। इतना दाम सस्ता में तो मेले में मिलता ही है, और पता ही है कि मेले में अलग ही तरह का दाम और अलग ही तरह का क्वालिटी मिल जाता है, क्योंकि मार्केट प्राइस से बहुत ही घिरा हुआ दाम में मिल जाता है, और बहुत ही अच्छा भी मिलेगा और नहीं भी मिलेगा तो भी चलता है दोस्तों। देख लीजिए, अभी कोई माताओं लोग अपने अपने सामान लेने के लिए बहुत ही व्यस्त करके रखे हैं दुकानदारों में, और बहुत ही ज़्यादा भीड़ करके रखे हैं, और हम लोग लेने भी नहीं सकेंगे क्योंकि दोस्तों हमारे वो कोई काम कहीं नहीं है, हमारे साथ में कोई लेडीज ही नहीं है या लड़की नहीं है, तो हमारे सिर्फ बच्ची है। बच्ची ये सब को पसंद नहीं करती है, तो दोस्तों हम लोग आगे भी लेते हैं और आगे चलते हैं। इतना ज़्यादा भीड़ है दोस्तों, देख सकते हैं किस तरह का हम लोग चल रहे हैं, और चलते हुए देखते हैं कि किधर किधर हम लोग जाना है, क्योंकि हम लोग पहली बार आए इस मेले में, और देख लीजिए पहली बार इतना ज़्यादा भीड़ है, मतलब भुला ही जा रहे हैं इस तरह के भुला रहे हैं कि क्या ही बता। ओह माय गॉड, देख लीजिए सेल्फी क्यों इसको आप जो परियो सेल्फी उतनी ही लेना, नहीं तो काला हो जाएगा चश्मा, मतलब चेहरे। ओह माय गॉड, देख लीजिए पापा के परिया इतना सेल्फी ले रही है। चलो ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पापे के परिया लोग सेल्फी ले ली, और हम लोग भी आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह का ये माहौल है मार्केट मेले का, और मेले में बहुत ही मज़ा आने है। इतना मज़ा आ रहा है कि खाली घूम घूम के पूरा मेले ही चल जाएंगे। आज तो पता चल रहा है कि यह मेला इतना ज़्यादा ही भीड़ है ना कि क्या ही बताएंगे। पर भी दोस्तों आप लोग आइएगा इस मेले में और मज़ा लेकर जाइएगा, क्योंकि जब लास्ट होता है तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मेले में भीड़ होता है, और ये अभी इतना लास्ट नहीं है, हम तो लास्ट में ही आए थे, हमको लगा कि लास्ट ही है। चलो चलते हैं और देखते हैं कि मेला कितना ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि हम संडे को भी हैं, तो संडे को हम जल्दी हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ तो समझ सकते हैं कि संडे के दिन हो सकता है, ऐसे तो डेली तो नहीं हो सकता क्योंकि सभी कोई को आया गया। तो दोस्तों फाइनली देख लो, ये इतने सारे खिलौने हैं और ये सब बहुत ही ज़्यादा भीड़ करके, मतलब गांव के लोग हैं तो इतना ज़्यादा इन लोगों को खरीदने में थोड़ा सा दिक्कत होता भी है, नहीं भी होता है, क्योंकि गाँव में जानने करते हैं कि पेट्रो शहर एक गाँव के जैसे है, और अभी थोड़ा सा वो टाउन होने जा रहा है। तो देख लीजिए दोस्तों खाने के लिए सामान इतने ज़्यादा हैं, और इधर देख लीजिए अंकल जी वो रेलगाड़ी चला के अलग अलग तरह के खिलौने लाते हैं, मतलब मेले का तो पता ही है ना कि जो चीज़ नहीं भी मिलता है वो मेले में मिल जाता है, और जो भी मिलता है मेले में बहुत यूनिक चीज़ मिल जाता है, और यूनिक चीज़ मिलने की वजह से हम बच्ची को ले दे रहे थे, तो बच्ची बोलती है ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो हमें ठीक है हमारी बच्ची को नहीं देते हैं, हम दूसरा चीज़ देखते हैं। और देख लीजिए दोस्तों कितना ज़्यादा भीड़ है, इतना ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही होता है। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा कि इतना ज़्यादा भीड़ में आप लोग कभी आए हैं या नहीं मिले, मतलब इससे ज़्यादा तो भीड़ में आए होंगे, और कमेंट का वो तो बात नहीं है, छोड़ दीजिए कमेंट तो आप लोग करते ही नहीं हैं जल्दी, ये आपको पसंद ही नहीं आता कमेंट करने। देख लीजिए ये प्लेट वगैरह का, स्टील का, ग्लास कफ और बहुत सारे हैं, और देख लीजिए इधर, तो देख लीजिए दोस्तों बहुत बढ़िया बढ़िया का, मतलब अलग ही तरह का लाए हैं मेले में। देख लीजिए बच्चों का खिलौना इतना ज़्यादा ही लाए हैं, मतलब पूरे एकदम दुकान ही एक लाइन से एक कतार से, और इतना ज़्यादा ही भीड़ है ना कि जब क्या ही खरीदेंगे और क्या ही मेला घूमेंगे वाला है। देख रहे हैं धक्का मुक्की करके जाना पड़ रहा है, और धक्का मुक्की करके ही आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का यह मार्केट में, यानी हमारे मार्केट मेले का जो है भीड़ बहुत ही अग्रेसिव है और बहुत ही तगड़ा है। तो देख लीजिए दोस्तों यहाँ घड़ी भी बच्चे लोग ले रहा है, तो हमारी बच्ची बोलती है कि घड़ी देखते हैं, तो घड़ी देखने में बहुत मज़ा नहीं आया क्योंकि घड़ी बहुत ही बेकार डिज़ाइन के दिख रहे थे, तो एक ही डिज़ाइन के थे इसीलिए मज़ा नहीं आया। और देख लेते हैं हम आगे किस तरह का क्या क्या मिलता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए हम लोग शायद मंदिर की तरफ आ चुके हैं, और मंदिर की तरफ आने के बाद देखते हैं क्या दिखता है, उधर भी कुछ नया मिलता है तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, और देखते हैं ये क्या है, अंगूठी सब है, और देख रहे हैं ना अंगूठी सब, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के सब ले कर आए हैं, जो सोचते हैं कि मतलब मेले में नहीं मिलेगा सोचते हैं, तो देख लो भाई मेले में बहुत ही ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि मेले में यूनिक यूनिक चीज़ें ही लेके आते हैं, और यूनिक चीज़ लाने के मतलब उसको ख़रीद के ले जाओ यार, जल्दी से ही ले जाओ, क्योंकि सस्ता दाम मेले में मिलेंगे, ज़्यादा कोई सोचना मत, क्योंकि सस्ता दाम दुकान से लोगे तो तुमको मिलेगा नहीं, और मुझे भी मिलता नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों कि मिठाई और कतार किस तरह का लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग अभी आ चुके हैं मंदिर के पास शायद,
हाँ ये मंदिर ही है, देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, अभी अचानक ही हम लोग इधर घुस रहे हैं और पूरा घूमते घूमते पता नहीं किधर किधर जा। देख लीजिए मिठाई, ओह माय गॉड, मेरा तो दिल छू जा रहा है यार, ये सारी मिठाई अगर ले लूँ और खा लूँ तो पता चलेगा कि पूरे तो दोस्तों बताइएगा ये मिठाई किस तरह का लग रहा है आपको। हमें तो ये मिठाई बहुत ही अच्छा लग रहा है, और देख लीजिए हम लोग इसी को पैक कर लिए हैं, इस मिठाई को, और ये मिठाई भी हम लोग ले लिए, मतलब दो अलग अलग डिज़ाइन के मिठाई ले लिए हैं, और देखते हैं कि किस मिठाई में कितना ज़्यादा टेस्ट है और कितना ज़्यादा मीठा है। ठीक है दोस्तों, तो हम ले लेते हैं मिठाई और देखते हैं, उसके बाद आपको भी दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग भी बताइए कौन सा मिठाई आपको ज़्यादा चाहिए और कौन सा अच्छा लगता है, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और हम आपको उसी मिठाई को अगर हमारे पास होता तो ज़्यादा हम लोग ले के आपको ले जाते दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग भी आइएगा दोस्तों मेले में और ले लीजिएगा, देख लीजिए हम ले लिए मिठाई, और उसको भी शायद लेंगे तो हमारे चिकू से पूछ लेते हैं, वो राय दे रहा है, तो हमारे पीछे बोल रही ये वाला नहीं वो वाला उसको चाहिए, पर वो वाला ठीक नहीं लग रहा था दोस्तों, वैसे बहुत ही पुराना लग रहा था कि पहले से बना के रखा गया, इसलिए हम नहीं लिया उसको। और देख सकते हैं मिठाइयों का, और देख लीजिए हमारे सती माता, हमारे सती माता को हमने प्रणाम कर लिया और हम उससे मिल लिए, और देख सकते हैं वहाँ भी सेल्फी सभी कोई ले रहे हैं, और सेल्फी लेने की वजह से सभी कोई भीड़ कर दिया मंदिरों में, बताइए मतलब मंदिरों को भी छोड़ा नहीं जा रहा। देख सकते हैं मंदिर का कितना अच्छा दिख रहा है ये कैंपस, और अंदर में ही सभी कोई अपना दुकान भी लगा दिए हैं कि चलो यहीं पर ही हमारी बिक्री हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरह का यह भीड़ है मंदिर में भी, और मेले का सभी कोई आनंद ले रहे हैं और कितना मज़े से सभी कोई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मंदिर में ही बहुत सारे लोग आए हैं और कितने मज़े ले रहे हैं, और हम लोगों ने भी मिठाई ले लिया है, और मिठाई लेकर हम लोग अब थोड़ा सा और भी घूम लेते हैं, और देख सकते हैं ये मंदिर का नज़ारा किस तरह का लग रहा है। तो दोस्तों कमेंट कीजिएगा आप सरस्वती माता आपको अच्छी लगती है या नहीं, और हम आप सरस्वती माता के मेले में गए थे या नहीं। ठीक है, हम तो मेले में घूम लिए दोस्तों, आप लोग बताइएगा। और देख लीजिए ये बच्चे लोग दुकान खोलकर बैठ गए और अपने मतलब मोबाइल में ही व्यस्त हो गए हैं, देखते हैं ना। और देख लीजिए ये झलमुड़ी के दुकान, देख रहे हैं कितना सरिया के कितना अच्छे से रखे हैं अंकल जी, और कितने तकातक से मतलब कितना सुंदर और प्यारा लग रहा है दोस्तों। आप लोगों ने झालमुड़ी खाया या नहीं खाया बताइए कमेंट में, हम तो झाल में बहुत खाए दोस्तों, इतना खा खा के हमारा तो मतलब क्या झाल से तो हमारा बहुत ही गजब हो जाता है हाल दोस्तों, इतना ज़्यादा कि क्या ही बताएं। तो मंदिर तरफ देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग इधर मंदिर की तरफ आए और देख रहे हैं श्री महावीर मंदिर, कौन सा मंदिर, श्री महावीर मंदिर तरफ हम घुस गए, और देख सकते हैं किस तरह मंदिर की तरफ का नज़ारा है। और ये देखिए मुंडू मेला, देख रहे हैं ना मुंडू मेला, तो दोस्तों देख रहे हैं ना कि मेले में किस तरह का, ये देख लीजिए फुकना मिल रहा है, और बहुत ही इसे मज़ा आता है दोस्तों खाने में, और हम ये हमारे बच्चे को दे दे रहे हैं, देखते हैं हमारे बच्चे लेके कि नहीं। तो देख लीजिए दोस्तों हमें तो मेला बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही घूमकर मज़ा आ गया दोस्तों, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या ही बताएं दोस्तों। आप लोग भी आइए दोस्तों इस मेले में और मेले का आनंद लीजिए, और मेले में घूमकर सरस्वती माता का भी दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि आखिरी बार ही मिलेगा इस महीने में, क्योंकि हर महीने तो लगते नहीं है मेले, क्योंकि और मेला भी बहुत सारे घर की और बहुत ही थक गए हैं, और दिखाते हैं आपको आगे भी, बने रहेगा हमारे ब्लॉग में। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी रास्ते में और बहुत ही रास्ता भीड़ है, आप देख ही रहे हैं, और इतना ज़्यादा भीड़ है कि ठीक है हम आपको आगे साफ सुथरी जगह निकलते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। ओके फ्रेंड, अभी हम लोग आ चुके हैं अभी आधे सड़क में और अपना घर जा रहे हैं, और अभी गाड़ी ले लेंगे, और हमारे बच्चे थक गए, देख लीजिए कैसा मुँह बना लिए, इस तरह मुँह बना लिया, ये गुस्सा गई है कि इसका मोबाइल नहीं खरीदाया, क्योंकि इसलिए नहीं खाता कि मेले में कोई तोल मोल झोल कर ही नहीं रहा था, अब तोल मोल झोल होता नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। और ठीक है फ्रेंड्स, हम आपको दिखाते हैं अब हम अपने घर जगह पहुंचकर, और कितना मस्ती किए वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम यहीं पे करते हैं वीडियो, अभी मिलते हैं नेक्स्ट लोग फ्रेंड्स।